का आता है विद द हेल्प ऑफ डिसेंडर, क्लियर। डिसेंडर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, विले कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या किया, डिसेंडर के अंदर इस तरीके से आपने रोप को फिक्स कर दिया। ये जो बड़ा वाला इसका जो हॉल है, इसके अंदर से आपने क्या किया, ये रोप को डबल करके पास किया, देन आपने छोटे वाले खोल के ऊपर से ये यहाँ पे लॉक कर दिया। देन ये आपने क्या करना है, कैराबाइनर के अंदर पास कर देना है, क्लियर। अभी ये टाइट खींच के रखो जरा, हल्का सा, हल्का, नॉर्मली। इसमें आपने किस तरीके से बिले करना है, ये आपने सेम इसमें भी आपने क्या करना है, इसको राइट लेफ्ट हैंड से पुल, देन ब्रेक, और ये पीछे, क्लियर। अभी आप इसे नॉर्मली एक हाथ से भी क्या कर सकते हैं, एंकर होल्ड कर सकते हैं। अगर वो फॉल हो भी गया तो आपने ये पीछे रखना है, अगर ये आगे ही होगा तो इसमें क्या, ये फ्रिक्शन नहीं बनाएगा फिर, क्लियर। ये यहाँ पे उसे अगर ये पीछे लाते हैं आप इस तरीके से, तो ये ऑटो इसे लॉक कर देता है अपने आप ही। तो हाथ जब भी आपने, आपका क्लाइंबर फॉल हो रहा है तो आपने क्या करना है, हाथ को लॉक के लिए पीछे लेके आना है, क्लियर हो गया। इटालियन हिच यहाँ पे ये लगाया, देन आपने क्या करना है, इस इटालियन हिच को आपने जो आपका कैराबाइनर है, मेन कैराबाइनर में इसमें पास कर रहे हैं, देन इस नॉट से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी को बिले कर सकते हैं। ये अभी इसमें पीछे नहीं रहेगा हाथ, जब आप ब्रेक करते हो तो इसमें हाथ कहाँ रहेगा, आगे ही रहेगा, क्लियर हो गया। इसमें पीछे नहीं आएगा आपका हाथ, ये आप इस तरीके से और ये आगे, जैसे ही आपका क्लाइंबर पूरा हो जाता है तो ये आपने आगे गिरी गिरी। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गए हैं आपके, बहुत सारे बिले डिवाइस आ गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को बिले भी कर सकते हैं और डिसेंड भी कर सकते हैं, क्लियर। बट इस इक्विपमेंट का क्या बेनिफिट है, इसमें क्या है कि इन केस अगर आप किसी को क्लाइंबिंग कर रहे हैं और आपके हाथ से क्या होता है, रोप छूट जाता है, ऑटोमेटिकली लॉक, बिले कर रहे हैं या रैपल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, इन केस अगर आपके हाथ से क्या है, रोप छूट गया, तो ये क्या हो जाता है, ऑटो लॉक हो जाता है अगर आपका क्लाइंबर फॉल हो गया, क्लियर। तो आपके हाथ में उतना वो वेट नहीं आएगा या आपकी बॉडी में उतना वेट नहीं आएगा, क्लियर हो गया। इसमें सिंपली इसमें साइन दिया होता है कि जो आपका क्लाइंबर वाला रोप है और आपका बिलेयर वाला रोप किस तरफ होना चाहिए। अभी इसमें एक क्लाइंबर बना हुआ है तो क्लाइंबर वाला रोप इधर से पास होगा और ये बिलेयर के लिए आपका यहाँ पे एक हैंड बना हुआ है, तो ये आप इस तरीके से आप इससे भी क्या कर सकते हो, बिले कर सकते हो। अभी खींचो जरा एक बार, तो ये इस तरीके से लॉक हो जाता है यहाँ पे जब इसमें वेट आएगा।